देवास में इन दिनों देवास का जिला चिकित्सालय अस्पताल अवस्था का शिकार हो रहा है। सामान्य नागरिक से लेकर हर वर्ग परेशान है, यहां तक कि सत्ताधारी दल के नेताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर आम नागरिकों की बात ही क्या है। हॉस्पिटल को दिखने में खूबसूरत बना दिया गया है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर आज भी हॉस्पिटल बदसूरत ही है। हॉस्पिटल से पहले दवाइयां चोरी होती थी, अब बच्चा चोरी होता है। शुक्रवार को एमजी हॉस्पिटल से एक बच्चा चोरी हो जाने की घटना से पूरे हॉस्पिटल के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी शर्मसार हुए हैं। व्यवस्था सुधारने को लेकर आज शहर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर श्री चंद्रमौलि शुक्ला से भेंट की और उन्हें पत्र सौंपते हुए कहा कि आप जिला चिकित्सालय में पूर्णकालिक डिप्टी कलेक्टर के रूप में एक रिसीवर को नियुक्त कर दें, जो सारी व्यवस्था को देखे। वहीं जिस महिला का बच्चा चोरी हुआ है, उस बच्चे को शीघ्र खोज कर उसके परिजनों को सौंपा जाए। हॉस्पिटल की व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके सारे प्रयास किए जाकर जिस तरह से हॉस्पिटल को सुंदर बनाया गया है, उसी प्रकार व्यवस्था को भी सुंदर बनाए। इस पर कलेक्टर शुक्ला ने पास ही में खड़े एसटीएम प्रदीप सोनी की और इशारा करते हुए कहा कि एसटीएम को अस्पताल की व्यवस्था सौंप दी है, आप इनसे चर्चा कर रहे ले। और एसटीएम प्रदीप सोनी ने कहा कि मैं नियमित रूप से एमजी हॉस्पिटल में बैठूंगा और सारी व्यवस्थाओं को देखूंगा। हमारा प्रयास होगा कि कोई भी शिकायत नहीं आए, बावजूद किसी को अगर कोई शिकायत है तो वह मुझसे सीधे संपर्क करे। वहीं कहा कि चोरी किया गया बच्चा मिल जाएगा, इसके लिए पुलिस बल को लगा दिया गया है। ये ज्ञापन हमने शहर कांग्रेस के नाम से दिया है और इसमें कांग्रेस के हमारे सभी वरिष्ठ साथी हैं, युवा कांग्रेस के साथी हैं। ज्ञापन इसलिए दिया कि हमारा जो जिला चिकित्सालय है भारी अवस्थाओं का शिकार है। पहले तो दवाई गोली चोरी होती थी इस हॉस्पिटल से, लेकिन अब बच्चे भी चोरी हो रहे हैं। किस रूप में चोरी हो रहे हैं तो जांच का एक अपने आप में विषय है। कलेक्टर महोदय से हमने हमारी ये मांगे रखी कि एक तो जो पुराने कर्मचारी हैं, पुराने या डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। इनकी वजह से रोज़ाना भ्रष्टाचार की बात आती है। अभी दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने भी शर्मा जी को यहाँ इसी प्रांगण के अंदर बहुत खींचा गया। 20,000 या 25,000 कर्मचारी छुट्टी मांगते हैं तो उनके पैसे मांग रहा हूँ। वो तो केस चल ही रहा था, नहीं बच्चा चोरी का केस सामने आ गया। तो इस तरह की अवस्थाओं के लिए हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात करी, वहीं एसडीएम साहब भी मौजूद थे। दोनों के बीच में हमने उनको ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। कल से उनका अथराइज उनको वहाँ पर कर दिया है एसडीएम को, तो हमें भी उम्मीद है कि अगर एसडीएम रेंज का आदमी अगर हमारे हॉस्पिटल में बैठता है तो उनके अधीनस्थ जो बाकी कर्मचारी हैं वो बरोबर सही काम करेंगे। जो भ्रष्टाचार का मामला है या दवाइयों का बिक्री का चोरी का मामला है, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पर गाड़ियाँ किराए की लगी हुई हैं, सीसी फुटेज के लिए आदमी रखा हुआ है, तो ये सब भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ावा है, इन सब की अवस्थाओं के लिए हमने उनको ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें पूरा कलेक्टर महोदय और एसडीएम ने पूरा आश्वासन दिया है कि ये आपकी मांगे जायज है। और निश्चित तौर से हमने आज से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जल्दी से इसके परिणाम आएंगे। देवास से अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।